दोस्तों इस वीडियो में मैं तुहानू स्टैप बाय स्टैप समझावगा कि तुसी फिजिकल हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट किवें बना सकते हो एंड अपनी पेंशन किवें लागू करवा सकते हो। सब तो पहला स्टैप नंबर एक की गल करिए कि करना तुसी अपना फिजिकल हैंडीकैप्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा वह किवें बनेगा मैं तुहानू दस दिना। सब तो पहला तुसी अपने ब्राउजर पर जाना है, UID UDID लिखना है, तो नीचे पहली ही वैबसाइट है उससे आप क्लिक कर लेंगे एंड इस तरह का फॉर्म जिहड़ा आपां फिल करना पवेगा। नॉर्मल जी डिटेल है दोस्तों, ईजीली तुसी फिल कर सकते हो। जे तुहाडे तो नहीं हुंदा तुसी मेरे थ्रू यह फॉर्म नूं फिल करवाना चाहुंदे हो तां यह मेरा वट्सएप नंबर है, इस ते मैनूं वट्सएप ते मैसेज करके पूरी डिटेल अपनी सेंड कर सकदे हो एंड मैं यह फॉर्म फिल करके तुहानूं वट्सएप नंबर उपर ही सेंड कर देवांगा। फॉर्म किवें फिल करना दोस्तों, नॉर्मल जी डिटेल है। यह फॉर्म फिल करन वास्ते तुहाडे कोल एक तां पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए है, एक सिग्नेचर होना चाहिए है, तो एक आधार कार्ड होना चाहिए है। सिग्नेचर तुसी वाइट पेपर से साइन करके वह भी अपलोड कर सकते हो, तो थोड़ा आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड तुहाडे कोल होना लाजमी है, तो ही तुसी इस फॉर्म नूं अपलाई कर सकोगे एंड तुहाडा सर्टिफिकेट भी फिर ही बनेगा एंड तुहाडी पेंशन भी फिर ही लागू होगी। बाकी नॉर्मली डिटेल अपना नाम भरना, डिटेल भरनी है, एड्रेस भरना, इस तरह का सारा डिटेल है। जिवें ही यह पेज अपना कंप्लीट हो जाता है, इस तो बाद आप करते हैं दोस्तों नैक्सट पर आप इतने क्लिक कर देने, नैक्सट बटन पर क्लिक करके हूँ आप डिसेबिलिटी डिटेल फिल करेंगे। देखो पर्सनल डिटेल का फर्स्ट स्टैप से, इस तो बाद सैकेंड स्टैप कि डिसेबिलिटी डिटेल, इस तो बाद इंप्लॉयमेंट डिटेल आ जाएगी, इस तो बाद आइडेंटिफाइड डिटेल आ जाएगी। जिवें ही पूरी डिटेल तुसी फॉर्म में फिल कर देने हो तो इस तरह की रिसिप्ट तुहाडे कोल डाउनलोड होकर आ जाएगी। हुण अगे दा प्रोसैस की स्टार्ट हुंदा, यह रिसिप्ट तुसी लैके जानी है अपने हॉस्पिटल सरकारी हस्पताल विच। जे तुसी बठिंडे एरिए तो मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपने सरकारी बठिंडे हॉस्पिटल विच जावांगे, उत्थे OPD विच जावांगे ते रूम नंबर 4 उत्थे सर्टिफिकेट वास्ते इशू किया गया है, मतलब ऑफिस बनाया हुआ है, रूम नंबर 4 एंड जे तुसी अदर किसी स्टेट तो यह वीडियो देख रहे हो तो तुसी अपने सरकारी हस्पताल विच जाना है, उत्थे पता करना है कि डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट किहड़े डिपार्टमेंट विच बनता है, किहड़े रूम विच बनता है। उत्थे की करना तुसी यह जिहड़ी रिसिप्ट होगी यह सारी लैके जानी है, तो उत्थे डॉक्टर नूं पकड़ाउणी है। डॉक्टर की करेगा, अपने लैपटॉप ते चैक करेगा कि की डिटेल इस रजिस्टर हो चुका है, परसन है जो रजिस्टर हो चुकी है इसकी डिटेल, तो वह चैक करने तो बाद एक होर पेज तुहानूं पकड़ा देवेगा। हुण उस ते वो स्टैंप लगावेगा, मोहर लगावेगा एंड सिग्नेचर कर देगा एंड डॉक्टर कहेगा कि इस रूम में जाके एक सिग्नेचर होर करवा लो, तो टोटल 2 सिग्नेचर होंगे ने जो कि हॉस्पिटल में ही होंगे तुहाडे। हुण 2 सिग्नेचर करवाने तो बाद दोबारे फिर तुसी उसी डॉक्टर कोल जाना है जिहड़ा तुहाडा सर्टिफिकेट इशू करता है, उस ऑफिस में ही जाना है जो हॉस्पिटल के अंदर ही है, उसनों पकड़ा दोगे तो विदिन 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर तुहाडा जिहड़ा सर्टिफिकेट बना के वह दे देंगे तुहानूं। एंड दोस्तों एक गल का खास ध्यान रखो, जदों भी तुसी हॉस्पिटल विच जाओगे तो सिर्फ मंगलवार, बुधवार ते वीरवार, यह 3 दिन है गौरमेंट हस्पताल विच जिहड़ा सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, इस तो अलावा होर कोई दिन ना जायो। मंगलवार, बुधवार ते वीरवार 3 दिन ही जिहड़ा डॉक्टर उत्थे बहिंदा है जिहड़ा कि सर्टिफिकेट इशू करता है। हुण जदों डॉक्टर ने तुहाडा सर्टिफिकेट तुहाडे हाथ विच दे दिता, हुण तुसी करना कि सब तो पहला अपने सर्टिफिकेट नूं लैमीनेशन करवा लेना है, क्योंकि वह नॉर्मल जे पेपर से ही प्रिंट आउट कट के दे दिंदे ने, उसनूं सर्टिफिकेट नूं लैमीनेशन जरूर करवा लो, वरना किवें ना किवें वह खराब हो जाएगा एंड फिर तुसी धक्के तुहानूं खाने पैणगे। तो हुण स्टैप नंबर 1 है जिहड़ा वह कंप्लीट हो गया कि तुहाडा जिहड़ा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट वह बन चुका है। हुण की करना आपां पेंशन किवें लागू करवानी है, तो इस तरह का परफॉर्मा तुहानूं फिल करना पवेगा। यह परफॉर्मा तुहानूं सुविधा केंद्र विच भी मिल जाएगा, जां इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन विच तुहानूं दे देना, उत्थों जाके तुसीं डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आपां फिल करना Part 1 एप्लीकेंट डिटेल, तो आपां फिल करना तो नॉर्मल डिटेल है, नाम है, फादर नेम है, जो भी आपां अपने नॉर्मल डिटेल होंगी तुसीं ईजीली इसनूं पंजाबी या इंग्लिश विच भर सकते हो, इन्ना मैनूं ट्रस्ट है। तो नॉर्मल डिटेल भरन तो बाद आपां किहड़े किहड़े डाकूमेंट लाउणे ने इह भी तुसीं जान लो। सब तो पहला अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लाना है, परसन का जो भी डिसेबल्ड परसन उसका जोड़ा अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, वह तुहाडे कोल चाहे वोटर कार्ड है, वोटर लिस्ट है, या 10वीं का सर्टिफिकेट है, या सर्टिफिकेट है जो अपने जन्म का सर्टिफिकेट है, या आधार कार्ड है। आधार कार्ड ओबवियस तो सब कुछ होगा, तो आधार कार्ड की फोटो कॉपी इसनों नाल ला दिओ। इस अलावा जो सर्टिफिकेट आप बनवाया अपंगता का सबूत यानी जोड़ा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, वह उसकी फोटो कॉपी आप इस दिन लानी है। रेसीडेंस का प्रूफ आधार कार्ड आप ला सकते हैं, ऑलरेडी आप इतने बर्थ प्रूफ में ला दिता है आधार कार्ड, तो ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है।
इस तों इलावा सैल्फ डिकलरेशन फॉर्म है वह इस फॉर्म के नीचे ही होंगे वह तुसी सिग्नेचर करके जिवें इत्थे सैल्फ डिकलरेशन फॉर्म है जस्ट अपने सिग्नेचर करने ने ते डेट इत्थे फिल कर देनी है। डॉक्यूमेंट वह अपनी बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी करा के फस्ट पेज की फोटो कॉपी करा के जिस विच तुहाडा बैंक का अकाउंट नंबर लिखा होंगे उसकी आपां नाल इस दे फॉर्म दे अटैच करनी है। फॉर्म नूं पूरा फिल करन तो बाद डॉक्यूमेंट इस दे नाल अटैच करन तो बाद अपने सुविधा केंद्र विच जमा करवा देनी है अते उत्थे तुहानूं एक रिसिप्ट मिलेगी उसनूं अपना सेव रखना तुसीं संभाल के रखना है। इस तों बाद 10-15 दिनों बाद तुसीं सुविधा केंद्र विच उह रिसिप्ट नूं लैके जाना है अते पुछना है कि सर जिहड़ी मेरी पेंशन वास्ते मैं अप्लाई कीता सी उह लागू हो चुकी है जां नहीं। जे हो गई है तां तुहाडे बैंक अकाउंट विच 1 तरीक तों बाद पेंशन आउणी स्टार्ट हो जाएगी। जे नहीं हुई है तां उह रीज़न दस देणगे कि तुहाडी इस फॉर्म विच गलती है इस करके तुहाडी इह जिहड़ी पेंशन लागू नहीं हुई। दोस्तों इह सारा प्रोसैस है। जे इस रिगार्डिंग होर कोई भी इनफॉर्मेशन तुसीं लैणी है तां वीडियो विच कमेंट करके दस दिओ मैं तुहाडा रिप्लाई जरूर कर देंगा।